दोस्तों गलवान घाटी का जख्म अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही चीनियों ने भारतीय सेना के उबलते खून में हाथ दे दिया और इसके बाद चीनियों को अपनी गलती का खामियाजा अपनी ही हड्डी पसली टूटवा कर भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि जब 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यंगास्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान वे कठिले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक वैगन से लैस थे, लेकिन इस दौरान चीनी ये बात भूल गए थे कि इस बार भारतीय सेना पहले से ही तैयार बैठी है। अब जैसे ही चीनियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो वैसे ही भारतीय सेना ने चीनियों की जम के कुटाई कर दी और कठिले डंडों से दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी। और अब चीनी मीडिया की तरफ से खुद ये दावे किए गए कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के बीच में हुई हिंसक झड़प में चीन के कई दर्जन सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और वहीं भारतीय सैनिकों को थोड़ी बहुत ही चोटें आई हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग भारतीय सेना की ताकत और चीनियों की कुटाई से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।